इस प्रॉब्लम का सेकेंड पार्ट है। इससे पहले एक पार्ट और अपलोड हो गया है, अगर आपने वो वाला पार्ट नहीं देखा जिसमें बेसिक समझाया गया है, सबसे पहले आप वो वाला पार्ट देखें और उसके बाद ये वाला पार्ट देखें। और हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि एक प्रश्न हमने आपको होमवर्क के तौर पर पिछले पार्ट में दिया था, क्या आप सभी लोगों ने उसका आंसर दिया? बहुत अच्छा लगा। आइए हम उस आंसर को, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, वो क्या क्वेश्चन था और उसका आंसर क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन था राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना है? 5:4 है। देखिए वही हम लाइन खींचेंगे, ये हमारा वर्तमान है, ये हमारा बाद का है और ये हमारा पहले का है। राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना है? ये राम है और ये श्याम है, ये आयु का अनुपात है इनका 5 और इनका 4, तथा इनकी आयु का योग कितना है? 81 वर्ष है, 81 वर्ष है योग, योग कितना है? 81 वर्ष है। ठीक है, मतलब 5 और 4 कितना हो गया? 9। ठीक है, 9 बराबर कितना 81, और 1 बराबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये यूनिट मेथड कहलाती है ना, और इसके आधार पर सवाल करना बहुत ही सरल हो जाता है। 1 की वैल्यू कितनी है? 9 है। हमसे क्या पूछा है? राम की वर्तमान आयु, तो राम कितना है? 5। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 9 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 का 5 में हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 45। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया था, तो आप देख लीजिए इसका आंसर ये होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट, और लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा सेकंड पार्ट में, तो आप थोड़ा सा इसको अच्छे से समझना, है ना, बस आप डरना मत। ठीक है, चलिए देखिए, देखिए ये बिल्कुल बेसिक सवाल है और अभी भी हम हाई लेवल पे नहीं पहुंचे, लेकिन थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है ना, थोड़ी थोड़ी वीडियो में थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ेगा और हम इसके हाई लेवल को लेके चलेंगे। देखिए, राजेंद्र और महेंद्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5:7 है। राजेंद्र 8 वर्ष बाद 48 वर्ष का हो जाएगा। अब एक प्रश्न में आपसे 3 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है राजेंद्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो, दूसरा प्रश्न महेंद्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो, और तीसरा प्रश्न 12 वर्ष बाद महेंद्र की आयु क्या होगी। चलिए देखिए, वही हमें जीवन रेखा बनानी है, ये हमारा वर्तमान, ये बाद और ये पहले, राजेंद्र और महेंद्र, तो ये हो गए राजेंद्र और ये हो गए महेंद्र, कितनी है? 5:7 है। राजेंद्र 8 वर्ष बाद 48 वर्ष का हो जाएगा। देखो कौन हो जाएगा? राजेंद्र हो जाएगा, कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? ये 8 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा राजेंद्र? 48 वर्ष का। ठीक है, तो राजेंद्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो, समझ रहे हो आप? मतलब राजेंद्र 8 वर्ष बाद 48 वर्ष का हो रहा है, तो राजेंद्र की वर्तमान आयु पूछिए हमसे, तो 8 साल पहले राजेंद्र कितने का होगा? आज राजेंद्र 48 साल का है, तो 8 साल पहले राजेंद्र कितने का होगा? 40 का। तो 5 की यूनिट वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 40, है ना, मतलब राजेंद्र हमारा 40 साल का है। क्लियर? पहले प्रश्न का आंसर क्या था? राजेंद्र की वर्तमान आयु बताओ, तो ये आपके पहले प्रश्न का आंसर रहा कि राजेंद्र की वर्तमान आयु क्या होगी। फिर हमसे दूसरा प्रश्न पूछा है महेंद्र की वर्तमान आयु क्या होगी, तो देखो 5 की वैल्यू अगर 40 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 × 5 और 5 × 8 = 40, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 8 हो जाएगी। क्लियर? तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो रही है? देखो यहां से फिर से देखो,
पांच अट्ठे 40, एक की वैल्यू कितनी हो रही है 8, और 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 8 56। ये हमारे कौन हो गए, महेंद्र। ये हमारे दूसरे प्रश्न का आंसर मिल गया कि महेंद्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। क्लियर। फिर अगला प्रश्न है हमसे कि 12 वर्ष बाद महेंद्र की आयु क्या होगी। देखो ये पहले प्रश्न का आंसर है आपके, और ये दूसरे प्रश्न का आंसर है आपके, और तीसरा प्रश्न पूछा 12 वर्ष बाद महेंद्र की आयु क्या होगी। तो अभी महेंद्र कितने साल के हैं, 56 साल के वर्तमान में, 12 वर्ष बाद कितने के हो जाएंगे, तो इसमें क्या करेंगे आप, 12 जोड़ देंगे, है ना। तो 12 वर्ष बाद महेंद्र कितने वर्ष के हो जाएंगे, 68 वर्ष के हो जाएंगे। क्लियर। ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल है, अभिषेक, राहुल और चंदन की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3:7 है। अभिषेक, राहुल और चंदन, देखिए वही बनाना है आपको, ये लाइन मैंने पहले से बना रखी है, ये वर्तमान, ये बाद का और ये पहले का, है ना। तो अभी इसमें बोला है अभिषेक, राहुल और चंदन की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, ये अभिषेक हैं और ये राहुल और ये चंदन, अनुपात कितना है, 2:3:7। देखो आराम आराम से समझाने का हमारा मतलब ये होता है कि आपको चीजें समझ में आए, हम स्पीड में करा देंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, बिल्कुल आराम आराम से देखा करो आप, है ना। और एक एक स्टेप आप रफ कॉपी पे खुद भी करके देखा करो, और इस पे अपने नोट्स भी बना के तैयार करना, और जब भी कभी पेपर देने जाओ, एग्जाम देने जाओ, तो आप इन नोट्स को पहले रिवीजन करो, है ना। और यहां से आप एक बार जब क्वेश्चन कर लो, तो सारे क्वेश्चन को आप किसी भी बुक में से एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना, किसी भी बुक में से आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे, ठीक है। तो देखिए अभिषेक, राहुल और चंदन की आयु का अनुपात कितना है, 2:3:7 है। राहुल 12 वर्ष का है, मतलब राहुल जो है ना वो कितने वर्ष का है, 12 वर्ष का। देखो ये अनुपात दिया है, अनुपात दिया है राहुल का, और राहुल की हमें आयु दी है, कितनी दी है राहुल की आयु हमें, 12 दी है, मतलब 3 अगर अनुपात है तो आयु कितनी रहेगी, 12। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, है ना। देखो कैसे, 3 एकम 3 3 चौको 12, एक यूनिट की वैल्यू 4 हो गई। तो अगर वही हमसे पूछता कि अभिषेक की वर्तमान आयु बताओ, तो हम इसमें बता देते कि अभिषेक की वर्तमान आयु कितनी हो गई। देखो 3 चौको 12, एक की वैल्यू 4, तो 4 दूनी 8, अभिषेक की आयु कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। वैसे ही अगर हमसे पूछता कि चंदन की आयु वर्तमान में कितनी है, तो हम क्या कर देते, एक की वैल्यू कितनी आई थी, 3 चौको 12 4 आई थी, और यहां कितनी हो जाएगी, 7 चौको कितनी, हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, ठीक है, 7 चौको 28। क्लियर। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, 4 वर्ष बाद अभिषेक की आयु ज्ञात करें। देखो अभिषेक की अभी आयु कितनी है, अभिषेक की अभी आयु कितनी है, अभिषेक की अभी आयु जो है वो कितनी है, 8 है। हमसे अभिषेक की आयु कब का पूछा, 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद हम आगे जाएंगे, तो इसमें अभिषेक में कितने और जोड़ देंगे, हम कितने और जोड़ देंगे, 4 4 और जोड़ देंगे, तो ये कितने हो जाएगा, 8 4 12, 4 साल बाद अभिषेक की आयु कितनी हो जाएगी हमारी, 12 हो जाएगी। ये हमारी पहले प्रश्न का आंसर आ गया, 4 वर्ष बाद अभिषेक की आयु क्या होगी। क्लियर। अब हमसे दूसरा प्रश्न पूछा है, अगला प्रश्न है, 10 वर्ष बाद राहुल की आयु क्या होगी। तो देखो दूसरा प्रश्न है हमारा, 10 वर्ष बाद राहुल की आयु क्या होगी। राहुल अभी कितने साल का है, 12 साल का, तो राहुल की 10 साल बाद आयु कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे दूसरे प्रश्न का आंसर है, ये पहले प्रश्न का, ये दूसरे प्रश्न का। अब तीसरा प्रश्न पूछा है हमसे, 4 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, मतलब 4 वर्ष बाद सभी की आयु का अनुपात पूछा है हमसे, तो 4 वर्ष बाद का पूछा है, तो इसमें क्या क्या जोड़ देंगे हम, 8 इसमें 4 जोड़ देंगे, सब में 4 4 जोड़ देंगे, क्योंकि सभी का अनुपात पूछा है हमसे, तो 8 4 12, और ये 16, और ये 32, काट देंगे अब हम इसको, किससे काट है,
बताओ क्या 4 से कट जाएगा? चार तिया 12, चार चौको 16, और 4 8 है 32। ये हमारा है 4 साल बाद, वो आपको दिख नहीं रहा, ये हमारे 4 साल बाद की आयु का अनुपात निकल आया। ये हमारे दूसरे प्रश्न का आंसर था। देखो ये हमारा पहला प्रश्न का आंसर, ये दूसरे प्रश्न का, और ये तीसरे प्रश्न का आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है? ये हमें 3 प्रश्न के आंसर आ गए। अच्छा क्या है कि हम एक प्रश्न को निचोड़ रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चन एक एक प्रश्न से उठ सकते हैं। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है, तो वही हम लाइन खींच लेते हैं, जीवन रेखा। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? ये ए का और ये बी का कितना है? 3:4 है। दोनों की आयु का योग कितना है? 35 बढ़ते हैं, एक ही आयु बतानी हमें, तो दोनों की आयु का योग, देखो जब योग कहा है तो आयु के अनुपात का योग कितना हुआ? 7। और ये आयु का अनुपात है और ये आयु है कितनी है? 35। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। हमसे क्या पूछा है? एक की आयु ज्ञात करना है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15। ये रहा हमारे इस प्रश्न का आंसर, समझ में आया? अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न, आपको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, चलिए देखिए अगला प्रश्न। ए और बी की आयु का अनुपात 4:7 है, ये ए और ये बी कितना है? 4:7 है। और उनकी आयु का अंतर, अंतर मतलब होता है अंतर, डिफरेंस, आयु का अंतर है 33 वर्ष। अच्छा ये देखो यूनिट में कितने का अंतर है, यूनिट में कितने का अंतर है, यूनिट में है कितने का अंतर? यहां से देखो 4 और कितने का? 3 का। 3 बराबर क्या दिया है यहां पर? 33। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11, है ना, भाग दे दिया, 3 एकम 3, 3 एकम 3। हमसे क्या पूछा है? ए और बी की वर्तमान आयु बताइए, बताना है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 11। तो अगर हमसे पूछा जाता ए की आयु, पूछी है, ए की आयु कितनी हो जाएगी? 11 का गुणा कर देंगे 4 में, तो ये अपना एक की आयु आ जाएगी। अगर बी की पूछी होती, पूछी है, तो बी की कितनी हो जाएगी? एक की यूनिट की वैल्यू कितनी आई है? 11। 7 की कितनी हो जाएगी? 11 7 77। ये हमारे बी की आयु आ गई, है ना, ये बी की है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। देखिए अगले प्रश्न हमसे पूछा है ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 4:5 है। चलिए डायरेक्ट करते हैं सवाल, है ना, वो हमारा प्रेजेंट, पास्ट, सॉरी पास्ट और ये फ्यूचर, प्रेजेंट ऐसे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ठीक है, मतलब वर्तमान की आयु, बाद की आयु और ये पहले की आयु, ठीक है। ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया है हमें? 4:5, ये एक की है और ये बी की है, ये 4:5। और इनकी आयु का योग, योग मतलब टोटल, मतलब ए की आयु और बी की आयु दोनों की आयु को मिलाकर कितना दिया है? 36। तो अगर आयु कुल दी है तो अनुपात कुल कितना हो जाएगा? 9। 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, ठीक है। अब पूछा है 4 वर्ष बाद ए की आयु क्या होगी और 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, क्लियर? अगर हमसे अभी तो ये क्वेश्चन पूछा है कि 4 वर्ष बाद ए की आयु क्या होगी और 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। अगर हमसे ये पूछा होता कि ए की वर्तमान आयु बताओ, बी की वर्तमान आयु बताओ, तो हम क्या करते हैं? 4 का इसमें गुणा कर देते हैं, तो ये कितना हो जाता? 4 चौक 16,
और इसमें 5 को गुणा कर देते, 5 को 20, ये ए और बी की कौन सी आयु आ गई, वर्तमान आ गई। लेकिन हमसे क्या पूछा है, पहला प्रश्न था हमारा, पहला प्रश्न है ना, पहला प्रश्न था ए वाला प्रश्न, ये ए प्रश्न कि 4 वर्ष बाद ए की आयु क्या होगी। तो 4 वर्ष बाद अभी 16 है, तो 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 20 ए की आयु। ये हमारे पहले प्रश्न का आंसर। दूसरा प्रश्न, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखो ये 16 है तो ये 20 हो जाएगी, और ये दूसरा प्रश्न मैं बी लिख देता हूं, और ये 20 है तो कितना हो जाएगा, 24। अनुपात क्या होता है, सबसे छोटी मेथड, तो अपन काट देंगे है ना। चार पंजे 20 और 4 छी 24, ये हमारा दूसरे प्रश्न का आंसर रहा। आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है। वर्तमान में कितना है, ए और ये रहा बी, 5:7, और 8 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, ये आ गए हम 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद यह अनुपात, मतलब ए और बी का अनुपात 7:9 हो जाएगा। तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। देखिए हमने आपको बताया था अनुपात का अंतर हमेशा समान रहता है, तो हम इस सवाल में देखते हैं क्या अनुपात का अंतर समान है। तो देखो 5 और 7 कितने का अंतर है, 2 का, 7 और 9 कितने का अंतर है, 2 का, अनुपात का अंतर समान है, ठीक है। तो यूनिट में देखते हैं कितना बड़ा, 2 यूनिट, और वर्षों में कितना बड़ा, 8 वर्ष, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब क्या पूछा है, ए और बी की वर्तमान आयु बताना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, 4, तो ए की आयु कितनी हो जाएगी, 5:20, और बी की आयु कितनी हो जाएगी, 7:28, ये हमारा ए की आयु आ गई और ये हमारी बी की आयु आ गई, ये हमारी आंसर। बहुत सरल है मेथड, बिल्कुल आसान है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा इस प्रॉब्लम का, तो सबसे पहले आप इस प्रॉब्लम का पहला वीडियो देखिए, उससे आपको ये सवाल बहुत ही आसानी समझ में आ जाएंगे। वैसे तो ये सवाल बहुत ही सरल है और मैं बिल्कुल आराम आराम से आपको ये सवाल सॉल्व करवा रहा हूं। आइए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 8:5 है। वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात क्या है, ये ए और ये बी, 8:5 है। 12 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, ये आ गए हम पहले, 12 वर्ष यहां लिख दो, पारा याद रहेगा, 12 वर्ष पहले यह अनुपात कितना था, ए और बी का ही था, 5:2। ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करना, हमें यहाँ की आयु बतानी है। हमने आपको इस सवाल में भी बताया था और इसमें फिर बता रहे हैं, हमें अंतर चेक करना पड़ता है, क्या इनकी आयु में अंतर समान है। अगर अंतर समान नहीं होगा तो हमें अंतर समान करना पड़ता है। चलिए देखिए यहाँ कितना है, 2 और यहाँ 5, कितने का अंतर है, 3 का। यहाँ कितना है, 8, और ये कितना है, 5। कितना है, 8 और 5, कितने का अंतर है, 3 का अंतर, मतलब आयु का अंतर क्या है, ये समान है। तो हम क्या देखेंगे कि कितना यूनिट बढ़ रहा है, तो 5 से कितना आ रहा है, 8, मतलब कितना यूनिट बढ़ा, 3 यूनिट, और वर्ष कितने बढ़े, 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। क्लियर। अब हमसे क्या पूछा है कि ए की आयु बताओ और बी की आयु बताओ, बस हमने ये निकाल लिया, 8:32, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 4 थी, तो 8 का 4 में गुणा कर दिया, 8:32। ऐसे ही इसका गुणा कर देंगे, 5:20, ये हमारी ए की आयु है और ये हमारी बी की आयु है, ये हमारे आंसर है। क्लियर। आइए अब हम आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा हमारा अगला सवाल, 10 वर्ष पूर्व
ए और बी की आयु का अनुपात 6:7 था, तो हम 10 वर्ष पहले आ जाते हैं। 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात कितना था? 6:7 था। और 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 10 वर्ष बाद, ये हम 10 वर्ष बाद आ गए, 10 वर्ष बाद यहां 10 लिख लेते हैं, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:12 हो जाएगा। तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो हमने पहले भी आपको बताया था कि हम अंतर चेक करते हैं, क्या इनकी आयु का अंतर समान है या नहीं है। अगर इनकी आयु का अंतर समान नहीं है तो हमें अंतर को समान करना पड़ेगा। तो देखिए यहां कितने का अंतर है? 1 का। और यहां भी कितने का अंतर है? 1 का। तो हम देखते हैं कितना यूनिट बड़ा। तो आप देख पा रहे हो कितना यूनिट बड़ा, 6, 4, 10 और 11, मतलब 5 यूनिट बड़ा। ठीक है, अब हम वर्षों में चेक करते हैं कितना बड़ा। यहां से यहां तक हमारा 10 वर्ष बड़ा और यहां तक कितना वर्ष बड़ा, 20 वर्ष, मतलब कितना वर्ष बढ़ गया, 20 वर्ष। ठीक है, तो 5 बराबर कितना है, 20 है, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 20, 1 बराबर हो जाएगा 4। अब हम यहां से भी आयु निकाल सकते हैं और यहां से भी आयु निकाल सकते हैं, वर्तमान निकालना है। अगर हम यहां से आयु निकालेंगे तो हमें जोड़ना पड़ेगा और यहां से आयु निकालेंगे तो हमें घटाना पड़ेगा। तो आइए हम यहां से निकालते हैं। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24, और 7 × 28, ये हमारे वर्तमान से 10 वर्ष पहले की आयु आ गई है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, वर्तमान आयु। तो अभी 10 साल हम वर्तमान में यहां हैं, 10 साल पहले हमारी आयु कितनी थी, 24 की, तो आज हमारी कितनी की हो जाएगी, 10 जोड़ देंगे, 34 की। ऐसे ही हम यहां चेक करें तो 10 साल पहले बी की आयु कितनी थी, 28 थी, तो अब 10 साल बाद कितनी की हो जाएगी, 10 और जुड़ जाएंगे, 38, है ना। ये हमारा आंसर रहा। क्लियर, मुझे आशा है कि आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ रहा होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज समझिए आप, ये क्वेश्चन जो है ना लगभग टाइप वाइज है, मतलब धीमे धीमे करके इसके टाइप बढ़ते जाते हैं। हम एक टाइप के 2-3-4 क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद टाइप बढ़ते जाते हैं। तो आपको शुरू से लेकर आखिरी तक देखना पड़ेगा और इनके नोट्स बना के रखेंगे तो आप बहुत अच्छा रहेगा, आपको आगे चल के ये काम में आएंगे, है ना। और इसके बाद जब आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाए तो आप बुक में से प्रैक्टिस जरूर कीजिए और रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसका ये वाला क्वेश्चन। 6 वर्ष पहले कुणाल तथा रोहित की आयु का अनुपात 6:5 था। तो देखिए ये हमारी वो जीवन रेखा है, ठीक है, थोड़ी सी बड़ी बना लेते हैं, ज्यादा जी लेंगे। 6 वर्ष पहले, तो ये हमारा वर्तमान, ये बाद और ये पहले। 6 वर्ष पहले बोला तो आप थोड़ा सा नीचे से कर लेते हैं इस बार, है ना, ऊपर जगह नहीं बची। तो 6 वर्ष पहले ए और बी की कुणाल और रोहित, तो लिख लेते हैं कितना अनुपात है, 6:5। कितने वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले, तो हमने यहां लिख लिया। ऊपर से जगह नहीं थी तो ऊपर से कर देता, थोड़ा सा जगह कम है। आइए अगला देखिए, 4 वर्ष बाद, तो हम यहां से अब चलते हैं 4 वर्ष बाद, तो यहां से हम 4 वर्ष बाद पहुंच गए। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:10 होगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है क्या इनकी आयु का अनुपात समान है या नहीं है। अगर नहीं है तो करके देख लेते हैं, और अगर है तो कोई बात ही नहीं। देखिए यहां पर 1 का अंतर है, 6 और 5 में 1 का अंतर, यहां भी 1 का अंतर, मतलब अनुपात आयु का अंतर हमेशा समान है, तो यहां पर भी समान है। ठीक है, अब हम से पूछा है रोहित की वर्तमान आयु बताओ, मतलब ये था हमारा कुणाल और ये था हमारा रोहित, है ना। अच्छा देखते हैं हम कि यूनिट में कितना बढ़ रहा है, यूनिट में बढ़ रहा है 5। अच्छा हम देखते हैं वर्षों में कितना बढ़ रहा है, देखो यहां तक कितना बढ़ा, 6, और यहां तक कितना बढ़ा, 4, मतलब टोटल यहां से यहां तक कितना बढ़ा, 10 वर्ष बढ़ा। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
दो, एक की वैल्यू कितनी हो गई, दो हो गई। अगर हम यहां से भी निकाल सकते हैं और यहां से भी निकालेंगे, मैंने पिछली बार आपको यहां से निकालना बताया था, इस बार आप यहां से देख लीजिए। तो एक की वैल्यू दो है तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22, और 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। ये हमारे वर्तमान से 4 साल बाद की आयु निकल आई है। ये हमारे वर्तमान से कितने साल की बाद की आयु निकल आई है, 4 साल बाद की आयु निकल आई है। लेकिन हमें कब की आयु चाहिए, कब की चाहिए, वर्तमान की चाहिए। हमसे क्या पूछा था कि रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो रोहित आज से, ये हमारा आज है, आज से 4 साल बाद कितने का है, 20 का। तो 4 साल पहले कितने का होगा, 16 का। ये 16 हमारा आंसर रहा। थोड़ा सा अच्छे से देखना समझ के, है ना। आइए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। बहुत आसान सवाल है, बस एक बार पेशेंस के साथ सीखना बहुत जरूरी है ना। वक्त लगेगा लेकिन आप 100% सीखेंगे। चलिए आइए अगला सवाल करते हैं। वही जगह, चलिए ठीक है। ए तथा बी की आयु का अंतर, ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष का है। मतलब ए बी में 16 वर्ष का अंतर है, मतलब एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, मतलब 16 साल है ना। 6 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले। तो ये आ जाते हैं हम 6 वर्ष पहले। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से तिगुनी थी। लिख लेते हैं हम, ए की आयु बी की आयु से तिगुनी थी। मतलब बी एक का होगा तभी तो ए बी से कितने का होगा, तिगुना होगा। तो ये तिगुना लिख देते हैं। फिर बोला प्रत्येक की वर्तमान आयु बताना है। कितना सरल क्वेश्चन है। चलिए देखिए, ये ए की आयु लिख दी हमने, बी की आयु लिख दी अनुपात में। हमें 6 वर्ष पहले का ये अनुपात दिया हुआ है ना। और हमें इनकी आयु का अंतर कितना दिया है, 16 वर्ष। हम यहां पर देख रहे हैं कि अनुपात में या फिर यूनिट में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। और वर्षों में कितने का अंतर है, 16 का अंतर है। तो एक बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। हमसे पूछा है कि प्रत्येक की वर्तमान आयु बतानी है, ठीक है। हम पहले आज से, ये हमारा वर्तमान है, आज हम वर्तमान से 6 साल पहले की आयु निकाल लेते हैं। 8 + 24 और 8 + 1 = 8, ये हमारे पहले की आयु निकल आई। लेकिन हमें कब की चाहिए, वर्तमान की। तो 24 और 8 में हम कितने कितने जोड़ देंगे, यहां से यहां तक आने में 6 वर्ष बढ़ जाएंगे। तो 6 इसमें और 6 इसमें, तो ये ए की निकल आएगी, ये बी की निकल आएगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 30, और ये कितना हो जाएगा आपका, 14, ठीक है। तो ये ए की आई और ये बी की आई निकल आई। बहुत सारा है। मैंने फिर बताया कि टाइप वाइज चलता है, आप इनको बड़े आसानी से समझ सकते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है। श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है, है मतलब वर्तमान में है, ठीक है। क्या बोला है, श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। तो ये हो गए श्याम और ये हो गए पिताजी, फादर। आधी है, आधी है मतलब श्याम होंगे 1 के, तो उनके पिताजी कितने के होंगे, 2 के। आधी बोला है ना, है ना, मतलब पिताजी दुगने, तो बेटा आधा। तभी तो हमने पिताजी को दुगना किया है और बेटे को आधा किया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु, 20 वर्ष बाद चलते हैं, आइए ये आ गए हम 20 वर्ष बाद। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु श्याम की आयु का 1.5 गुना होगी। देखो 1.5 गुना कैसे लिखते हैं, पहले 1.5 गुना लिखना सीखो। 1 = 1/2, इसको बोलते हैं 1.5 गुना। जब इसको अनुपात में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 = 2 = 3, मतलब 3:2 हो जाएगा। ये फादर और सन की, कब की, 20 साल बाद की। ये सन हो गए 2 के और पिताजी हो गए 3 के। तो क्या पूछा है, श्याम के पिता की वर्तमान आयु बताना है। श्याम के पिता की वर्तमान आयु बताना है। सबसे पहले हमें आयु का अंतर चेक करना है,
क्या आयु का अंतर समान है या नहीं। तो देखिए यहाँ एक का अंतर है और यहाँ भी एक का अंतर है, ठीक है। अब यूनिट में कितने का बड़ा, एक, एक यूनिट बराबर कितना 20, तो पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी 2, वर्तमान तो यही है ना, तो 2 × 2 = 40 वर्ष, ये हमारा आंसर। आइए अगला क्वेश्चन और देखिए, कोशिश ये करो आप कि एक वीडियो को आप 2 बार और 3 बार देखो और इसके नोट्स बनाओ अच्छे से और बिना देखे फिर इनको करने की कोशिश करो, समझ समझ कर सीख जाओगे आप। देखो ए तथा बी की आयु का अंतर 10 वर्ष है, मतलब ए और बी में आयु का अंतर कितना है 10 वर्ष का है, ठीक है। 6 वर्ष पहले, तो ये हम आ गए 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से तिगुनी थी, ए की आयु बी की आयु से तिगुनी थी, बी अगर 1 का होगा तो ये कितने का होगा तिगुनी का होगा, प्रत्येक की वर्तमान आयु बतानी है, क्लियर। और फिर बोला है हमसे तिगुनी, 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु से तिगुनी थी, हमें सवाल में बोला था ए और बी की आयु का अंतर 10 वर्ष का है, तो हमें यूनिट में कितने का अंतर है या अनुपात में कितने का अंतर है 2 का, 2 बराबर कितना दिया 10, 1 बराबर कितना हुआ 5, हम यहां पर इससे गुणा करेंगे तो ये इनकी वर्तमान आयु आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, ये वर्तमान से 6 वर्ष पहले की आयु निकली है, लेकिन हमसे क्या पूछा है वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो हम 6 क्या करेंगे दोनों में जोड़ देंगे, 15 में 6 तो ये हो जाएगा 21, ये हमारे ए की आयु आ गई, और ऐसे ही हम बी की आयु निकालेंगे, तो बी की कितनी थी यहां पर 5, 5 में कितने जोड़ देंगे 6, तो ये बी की आयु आ गई हमारे, ये ए की और ये बी की, ये हमारा आंसर रहा। ये रहा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको अपना पूरा प्रयास करके इसको सॉल्व करना है, और दूसरी बात आप जब सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, हमें पता चलता है कि कौन सवाल कर रहा है, कौन लास्ट तक पहुंचा और कौन लास्ट तक नहीं पहुंचा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि हो रही हो तो कृपया आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।